हेलो स्टूडेंट, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो कैलकुलेशन होता है उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो टर्म्स आते हैं वो टर्म हैं कि आदमियों की संख्या, मैन की बात होती है, कितने दिनों में कार्य होता है, डे की बात होती है, कितने घंटे प्रतिदिन लोग कार्य करते हैं, आवर की बात होती है, काम टोटल कितना होता है, वर्क की बात होती है और वेज क्या होता है, मजदूरी की बात होती है। अगर इस पूरे कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, इस पूरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, तो यही वे टर्म्स हैं जिसके बीच के रिलेशंस को हमें समझना होता है। स्टूडेंट, अगर आप इन सारे टर्म्स का एक दूसरे से रिलेशन समझना चाहेंगे तो यह रेशियो का जो वेरिएशन का कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करता है। दो कैटेगरीज में हम आप इसको बांट सकते हैं। अगर आनुपातिकता के सवाल पर देखें तो आनुपातिकता के आधार पर हम इसे दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक वेरिएशन का पार्ट हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको कि आप हिंदी में समानुपात कहते हो या समानुपातिकता का ये प्रश्न हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हिंदी वाले व्युत्क्रमानुपातिकता कह सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा मतलब है कि इफ फर्स्ट इंक्रीज देन सेकेंड इज ऑल्सो इंक्रीज, यदि पहला बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। क्या होगा कि इफ फर्स्ट इंक्रीज देन सेकेंड इज ऑल्सो इंक्रीज, यदि पहला बढ़े तो दूसरा भी बढ़े और वाइस वर्स, इसका उल्टा भी कि पहला घटे तो दूसरा भी घटे। और जैसे एक कलम का दाम मान लो 10 रुपया है तो दो कलम का दाम 20 रुपया। अगर कलम की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। 5 पेन का प्राइस 50 रुपीज, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बोलें फिर 3 पेन का प्राइस तो 30 रुपीज, नंबर ऑफ पेन घटा तो प्राइस भी घटा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर एक तरफ का बढ़ेगा तो दूसरे तरफ का भी बढ़ेगा, अगर एक तरफ का घटेगा तो दूसरे तरफ का भी घटेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं। दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है स्टूडेंट कि इफ फर्स्ट इंक्रीज देन सेकेंड इज डिक्रीज, यदि पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे ये कौन सा रिलेशन हो गया? जैसे मान लो किसी पार्टिकुलर स्पीड को, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग किसी खास स्पीड से चल रहे थे। अब अगर हम अपना स्पीड बढ़ा लें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर हम अपना स्पीड घटा लें तो हम देरी से पहुंचेंगे। तो जो स्पीड और टाइम का रिलेशन हुआ वो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करेंगे, तो अब आदमी अगर हम घटा करके 1 कर लें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 आदमी अगर 8 दिन में करते हैं तो आदमी कम जाएगा, तो स्वाभाविक है कि दिन बढ़ेगा, तो 10 × 8 80 दिन में करेंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया कि जब एक बढ़े तो दूसरा घट जाए और अगर पहला घटे तो दूसरा बढ़ जाए। तो एक तो हमें ये स्टूडेंट समझनी होगी, आगे चलकर हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमें इसकी समझ रखनी होगी। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट बढ़ रहा है तो हम सेकेंड को भी बढ़ाएंगे और फर्स्ट घट रहा है तो हम सेकेंड को भी घटाएंगे। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे कि यदि पहला बढ़ रहा है तो हम दूसरे को घटाएंगे और अगर पहला घट रहा है तो हम दूसरे को बढ़ाएंगे। तो एक तो वेरिएशन का ये कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट, और एक दूसरा बेसिक कंसेप्ट जो यहां पर होगा वो दूसरा कंसेप्ट यहां पर ये होगा कि हम कब बढ़ाएं, हम बढ़ाने के लिए क्या करें,
हम कब बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे ये तो हम ऊपर वेरिएशन से समझ जाएंगे। लेकिन फिर होता है कि हम नॉर्मली बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और हम घटाने के लिए क्या करते हैं, तो ये तो फिर आप कहेंगे बहुत आसान बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। इंक्रीज के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और डिक्रीज के लिए हम लोग डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहेगा एक मार्कर का प्राइस 10 रुपीज है तो 2 मार्कर का प्राइस, तो हमने क्या किया 10 × 2 कर दिया, 20 रुपीज हो गया। उसी तरह से घटाना है, कोई बोल देगा 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल का प्राइस जो है 12 रुपीज है, तो 1 पेंसिल का प्राइस तो हमको घटाना है तो हम 12/4 कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। कहते ठीक है आप जो सोच रहे हो यह सही है, लेकिन ऐसा सोचो कि अगर आपको एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं, अगर आपको बोलें कि प्राइस ऑफ 1 kg सुगर इज ₹40, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/2 kg सुगर, तो आप क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1/2 kg सुगर इज, तो आपको क्या करना है तो घटाना है, तो आपका कंसेप्ट कहता है डिक्रीज के लिए घटाने के लिए डिवाइड कर लीजिए, तो आप कर लीजिएगा क्या 40 / 1/2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 × 2/1, तो ₹80, क्या ये पॉसिबल है। अगर 1 kg सुगर का प्राइस 40 रुपीज है तो 1/2 kg का कभी भी 80 रुपीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो हमने कैलकुलेट गलत किया, या फिर ये जो कंसेप्ट है कि बढ़ाने के लिए गुना करते हैं और घटाने के लिए भाग करते हैं ये गलत है। तो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 / 1/2 ये पलटेगा गुना करने के लिए और 80 होगा। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये एक बड़ा छोटा चीज है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लोग उलझते हैं, बहुत ज्यादा फंसते हैं। या जो है कि हम बढ़ाने के लिए गुना करते हैं और घटाने के लिए भाग करते हैं, ये कब करते हैं, यह इंटीजर्स के केस में करते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में करते हैं। दो केस में आप इसको कर सकते हैं, या तो इंटीजर्स में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कब करेंगे, जब पूर्णांक संख्या की परिस्थिति रहेगा तब करेंगे, या तो हम पूर्णांक के केस में करेंगे या हम क्या करेंगे, या जब अनुचित भिन्न रहेगा तब करेंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा अनुचित भिन्न की परिस्थिति में करेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि आपके कैलकुलेशन में प्रॉपर फ्रैक्शन हो, आपको उचित भिन्न के लिए करना पड़े कैलकुलेशन, जैसे अभी 1/2 को करना था, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कंसेप्ट बदल जाएगा। अगर आपको उचित भिन्न के लिए कैलकुलेट करना है तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा, और अगर आपको डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पर हम क्या करते, प्राइस ऑफ 1/2 kg सुगर, तो हम ये डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वेट कम हो रहा है तो प्राइस भी कमेगा, और चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है उचित भिन्न है तो हम कमाने के लिए कम करने के लिए गुना करेंगे और ये कैंसिल होकर के हो जाएगा ₹20। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। हम प्रायः क्या कर लेते हैं कि जब बढ़ाना होता है तो उसके लिए गुना करते हैं और जब घटाना होता है तो उसके लिए भाग करते हैं। लेकिन ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो, जब कभी भी डाटा में इंटीजर्स रहे, पूर्णांक रहे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, अनुचित भिन्न रहे, ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तब आप ये काम करना कि बढ़ाने के लिए मल्टीप्लीकेशन का काम करना, गुना का काम करना, और घटाने के लिए डिवीजन का काम करना, भाग देने का काम करना। लेकिन कभी भी अगर आपको अपने कैलकुलेशन में प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन करना पड़े, उचित भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़े, तो आपका कंसेप्ट पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बढ़ने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, आप उल्टा करना, गुना की जगह पर भाग देना, और घटाने के लिए आप भाग देने की जगह पर गुना करना। तो बस दो चीजों पर हमें ध्यान देना है, एक तो कब गुना करेंगे, कब भाग करेंगे, और दूसरा
कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये अगर आप सिचुएशन को अपने मन में सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट, हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को इन्हीं कंसेप्ट पर कैलकुलेशंस के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को लेते हैं, जिसको कि हम लोग यूनिटरी मेथड पर लेकर के सीखेंगे। यूनिटरी मेथड मतलब वन पर सोच करके, एक नियम इसको हिंदी में कहते हैं। जब कुछ भी कैलकुलेशन करना होगा तो हम पहले जो दिया हुआ फैक्ट रहेगा उसके बेसिस पर वन का निकालेंगे, और जब वन का निकाल लेंगे और फिर उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उससे निकालेंगे। तो एक पहला प्रश्न हम लोग इस बेसिक कैलकुलेशंस का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ 7 ऑब्जेक्ट इज रुपीज 98, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 9 सच ऑब्जेक्ट्स। यदि 7 वस्तुओं का मूल्य 98 रुपया है तो ऐसी 9 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करें। स्टूडेंट, अगर हमको ये बनाना है तो क्या होगा? तो कहता है सिंस प्राइस ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इज रुपीज 98। बिल्कुल बेसिक्स है, हम लोग एकदम हार्ड से हार्ड लेवल तक क्वेश्चन को लेंगे, लेकिन पहले आप समझने के लिए बिल्कुल बेसिक्स पर चर्चा कीजिए। क्या कहता है कि 7 वस्तुओं का मूल्य 98 रुपया है तो ऐसी 9 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करें। स्टूडेंट, आप इसको यूनिटरी मेथड पर सोचो, यदि 7 वस्तुओं का मूल्य 98 रुपया है तो प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कितना होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो आप मन में सोचो कि प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइस और ऑब्जेक्ट में कौन सा संबंध होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होगा, समानुपातिकता का संबंध होगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो 7 ऑब्जेक्ट का दाम 98 है तो एक ऑब्जेक्ट का दाम क्या होगा, तो हम डिवाइड कर लेंगे, 98/7 होगा। ये क्या होगा, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 14 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 9 सच ऑब्जेक्ट्स, ऐसी 9 वस्तुओं का दाम ज्ञात करें। तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स तो कितना होगा। तो अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, तो चूंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है ऑब्जेक्ट और प्राइस में, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। और इंटीजर्स में बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 14 × 9 तो क्या होता है, 14 × 9 रुपीज 126, और ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, बस दो चीजों पर आप ध्यान देना है कि जो दो कैरेक्टर दिया गया है क्वेश्चन में, उस दोनों के बीच कौन सा संबंध है, वेरिएशन का कौन सा लॉ लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपातिकता का संबंध लगता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपातिकता का संबंध लगता है। इसके बेसिस पर आप ये सोचेंगे कि हमको क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है। और फिर नीचे जो हम लोगों ने सीखा कि अगर बढ़ाना है तो इंटीजर्स और इंप्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लाई और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करेंगे, और अगर घटाना है तो इंटीजर्स और इंप्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिवाइड और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ और एग्जांपल से स्टूडेंट हम लोग इस बेसिक क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ 4 kg राइस इज रुपीज 144, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ राइस। यदि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 144 रुपया हो तो 3/4 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। अब स्टूडेंट क्या है कि सिंस प्राइस ऑफ 4 kg राइस इज रुपीज 144, हम यूनिटरी मेथड पर सोचते हैं, तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 kg राइस तो क्या होगा, दोनों के बीच वेट और प्राइस के बीच क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। वेट बढ़ेगा तो टोटल अमाउंट भी बढ़ेगा, वेट घटेगा तो टोटल अमाउंट भी घटेगा। तो अगर 4 kg का प्राइस 144 है तो 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप घटाने के लिए इंटीजर्स का केस है तो भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, 144/4 को अगर आप काट दोगे तो यह हो जाएगा 36 रुपये। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है कि 3/4 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ राइस। अब देखो स्टूडेंट क्या है, हम एक का दाम निकाल लें, अब 3/4 kg पूछ रहा है तो एक से तो 3/4 और कम है, तो हम कमाने के लिए क्या करेंगे, तो नॉर्मली कम करने के लिए हम भाग देते थे,
लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उचित भिन्न है, तो यहां पर हम कम करने के लिए भाग नहीं देंगे, बल्कि हम यहां पर कम करने के लिए गुणा कर देंगे। बस ये समझना है, छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन कई बार ये बहुत भारी पड़ता है अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और यहां गलती कर पड़ते हैं। पूरा बड़ा बड़ा कंसेप्ट आप सीखे रहते हैं और छोटे से चीज में फंस जाते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि जब कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आ जाएगा, जब कभी भी उचित भिन्न का कैलकुलेशन आ जाएगा, तो हम उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे कि अगर हमको घटाना है तो हम गुणा करेंगे और अगर हमको बढ़ाना है तो हम भाग देंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह से हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस बेसिक्स को समझने के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ 2/3 kg sugar is ₹32, then find the price of 2.5 kg of sugar. क्या कहता है कि यदि 2/3 kg चीनी का मूल्य ₹32 है तो 2.5 kg चीनी का मूल्य ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? ये दिया हुआ है प्राइस ऑफ 2/3 kg sugar एज ₹32। यूनिटरी मेथड पर है, पहले क्या करो 1 kg का निकाल लो, तो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, तो 2/3 से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो बढ़ाना है, लेकिन ये कैलकुलेशन किस चीज का है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। 2/3 उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम बढ़ाने के लिए हम भाग दे देते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2/3, तो 3 क्या होगा हमारा, ऊपर हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48। तो हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड से 1 kg का निकाल लिया। बस प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाले डिफरेंस पर या इंटीजर्स वाले डिफरेंस पर हम लोग समझेंगे। फिर कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5.5 kg शुगर। तो 5.5 को अगर आप ब्रेक कर लोगे तो 5.5 क्या हो जाएगा, 5 × 10 + 1 11/2, हम इसको चाहें तो 11/2 kg लिख सकते हैं। तो ये फिर देखो इम्प्रॉपर है, 11/2 क्या है, फ्रैक्शन है लेकिन इम्प्रॉपर है, भिन्न है ये लेकिन अनुचित भिन्न है। तो इसके लिए इसमें इंटीजर्स जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा इंटीजर्स में करते थे कि बढ़ाने के लिए गुना करते हैं और घटाने के लिए भाग करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 48 को फिर 11/2 से हम गुना करके लिख देंगे, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे कितनी बार में, तो 2 से हम लोग कर लेंगे इसको 24 टाइम्स में कैंसिल, और फिर 24 × 11, तो 24 × 1 = 24, 2 कैरी बच गया, और 24 × 1 = 24 + 2 = 26, तो ₹264 इज द राइट आंसर। तो बस स्टूडेंट हमें समझना है कि कहां प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहां इंटीजर्स है। अगर इन छोटे छोटे कैलकुलेशंस को सीख लेंगे तो हमारे लिए टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे स्टूडेंट अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन इस बेसिक्स का, कि इफ 12 पर्संस कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 10 persons can do it. यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो ज्ञात करें कि 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो क्या है स्टूडेंट कि सिंस 12 persons can do a job in 20 days. पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 10 persons कैन डू इट। 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम यूनिटरी मेथड से भी करते हैं, यूनिटरी पर निकालो, तो अगर हम 1 person से इसको कराना चाहेंगे तो क्या होगा। अब ये मन में सीखना है, सबसे पहले मन में सोचना है कि इसमें क्या संबंध होगा, persons, नंबर ऑफ persons और टोटल डेज में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपातिकता होगी या व्युत्क्रमानुपातिकता होगी। तो मन में सोचो अगर 12 आदमी 20 दिन में करेंगे तो अकेला आदमी हो जाएगा, तो आदमी कम जाएगा तो और ज्यादा दिन लगेगा ना। तो फिर इंटीजर्स है तो ज्यादा दिन लगेगा, तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं।
तो हो गया 20 into 12 डेज। फिर क्वेश्चन में कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 10 persons कैन डू इट, तो हम क्या करेंगे फिर 10 persons के लिए निकालेंगे, 10 persons कैन डू अ जॉब इन, तो क्या हो जाएगा फिर, अब नंबर ऑफ persons बढ़ा, तो नंबर ऑफ persons बढ़ा तो काम जल्दी होगा, तो जो पुराना कैलकुलेशन है उसमें हम इस 10 से डिवाइड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा तो 24 डेज ये आंसर होगी। तो हमें ये समझना है, इससे पहले के जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर बढ़ता था तो सेकेंड भी बढ़ता था, अगर फर्स्ट कैरेक्टर घटता था तो सेकेंड भी घटता था। और यहां हमने क्या देखा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सेकेंड घट रहा है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर घट रहा है तो सेकेंड बढ़ रहा है। एक और कंसेप्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कहता है इफ अ राइडर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स, देन इन हाउ मच टाइम ही कैन कवर सेम डिस्टेंस विद 48 किलोमीटर पर आवर। कहता है यदि कोई सवार किसी खास दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में तय करता है तो उसे इसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये दिया है कि वो जो राइडर्स है कि विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ही कवर द डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो यूनिटरी मेथड से करेंगे तो विथ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, तो अगर स्पीड घटेगा तो हम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा स्पीड और टाइम में, हम स्लो चलने लगेंगे तो हम देरी से पहुंचेंगे, तो फिर टाइम बढ़ेगा तो बढ़ाने के लिए इंटीजर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आवर्स हो जाएगा। तो फिर कहता है कि अगर हम 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो 1 से तो 48 ज्यादा है, तो स्पीड बढ़ गया तो फिर टाइम क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ गया तो फिर टाइम घट जाएगा, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे इंटीजर से तो डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर लो 4 से 12 और 12 से 3, तो क्या हो गया 3 आवर्स इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जाम्पल, इन 4-5 एग्जाम्पल्स में हमने जो स्टार्टिंग का बेसिक सीखा कि कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये सोचने के लिए सीखा, और कैलकुलेशन में कब गुना करेंगे और कब भाग करेंगे, कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे ये सीखा। अगर इतना बेसिक्स अगर आप स्टूडेंट समझ गए तो आइए अब हम जो टर्म सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि इस पूरे चैप्टर में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो अगर इस पूरे चैप्टर की आप बात करोगे टाइम एंड वर्क पूरे चैप्टर की, तो इसमें स्टूडेंट जरूरत पड़ती है, बात होती है मेन की, इसमें बात होती है डे की, इसमें बात होती है आवर की, इसमें बात होती है वर्क की, और इसमें बात होती है वेज की। अगर आप पूरा ये कंसेप्ट समझना चाहोगे, हिंदी में क्या बात होती है तो प्रश्न आदमी का होता है, प्रश्न दिन का होता है, प्रश्न घंटे का होता है, प्रश्न काम का होता है, और प्रश्न मजदूरी की होती है। तो इनके बीच क्या हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, इनके बीच हम क्या कोई संबंध बना सकते हैं, हम सबके लिए एक शॉर्ट टर्म पहले सबके लिए कोड बना लेते हैं, जैसे मैन को हम एम से डिनोट करेंगे, डे को हम डी से डिनोट करेंगे, घंटे को आवर को हम एस से डिनोट करेंगे, वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और वेज को, अब दो डब्ल्यू वाला हो रहा है, एक काम करो वेज को रुपीज बना लो, हम आर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, आदमी को एम से, दिन को डी से, घंटे को एस से, काम को डब्ल्यू से, और मजदूरी को आर से हम लोग डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट दो कंसेप्ट हम लोग यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर के समझेंगे। कई बुक्स में इसको वेरिएशन का नाम दिया जाता है, कई बुक्स में इसको चेन रूल का नाम दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स के रूप में ही समझेंगे। एक तो इन सारे चीजों के बीच के रिलेशन को आपस में समझो, जैसे प्रश्न में
इन्हीं में से इस पांच में से हो सकता है दो टर्म का इस्तेमाल करेगा, तीन टर्म का इस्तेमाल करेगा, चार टर्म का इस्तेमाल करेगा, या ज्यादा से ज्यादा पांचों टर्म का इस्तेमाल करेगा। इसमें आप एक काम करो, एक चीज याद रखो कि जो चीज पूछा जाएगा वो एक कैरेक्टर देगा, बाकी सब दो दो कैरेक्टर देगा। हम एक रूल यहां पर दिमाग में रखेंगे, M1, D1, H1, इस तीन को सीधा लेना है और इसके बाद दो को उल्टा लेना है, W2, R2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण ये ऐसा होता है। M को, D को, H को, मेन को, डे को और आवर को सीधा लेंगे, वर्क और वेज को उल्टा लेंगे। मतलब M1, D1, H1 के साथ दूसरे तरफ वाले W वर्क को दूसरा लिए और R दूसरा लिए, बराबर क्या करेंगे, M2, D2, H2 और फिर वर्क और रुपीज उल्टा लेंगे, W1, R1। इसमें से स्टूडेंट क्या होगा, कोई भी दो या तीन कैरेक्टर प्रश्न में देगा या चार देगा या पांचों देगा, लेकिन जो भी जितना भी कैरेक्टर का क्वेश्चन दे, जो रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा एक देगा और बाकी दो दो देगा। तो जैसे मान लो डे बाद वाला डे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, डे को छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर डिवीजन में ला देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोग अभी क्वेश्चंस को जब एक्सप्लेन करने जाएंगे तो इसको हम लोग और आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बेहतर समझाएंगे। अभी दिमाग में रखना है कि मेन, डे और आवर सीधा और वर्क और वेज को उल्टा। आगे बढ़े हम लोग। अब इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, कुल इस सीरीज का छठा एग्जाम्पल, क्या कहता है कि 12 मैन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 18 पर्संस कैन डू इट बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। क्या कहता है, यदि 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 36 दिनों में करते हैं तो ज्ञात करें कि 18 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में करेंगे। अब स्टूडेंट इस प्रश्न में देखो दो मेथड से चर्चा करेंगे। पहले तो एक हम आपको इसको ट्रेडिशनल बतलाते हैं कि क्या करना चाहिए, बाद में फिर आपको इस फॉर्मूले पर भी समझाएंगे। तो जो रूल वन है, जो ट्रेडिशनल है, इस प्रश्न को आप देखो कि जो हमारा इसमें रूल वन है, जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, मेथड पहला है, जो पहला रूल है, जो पूछे ना उसको पहले लिखो। जैसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, इन हाउ मेनी डेज। तो देखो पूरे प्रश्न में डे एक जगह दिया होगा और बाकी सब कुछ दो दो बार दिया होगा। जैसे मेन दो बार दिया, शुरू में 12 दिया बाद में 18 दिया। जैसे आवर्स दो बार दिया, शुरू में 8 आवर्स दिया और बाद में 6 आवर्स दिया, लेकिन डेज पूछ रहा है तो डेज सिंगल दिया। तो जो पूछ रहा है ना, आप उसका जो सिंगल वाला डाटा है वो लिख दो। जैसे ये लिख लिया, क्या हो गया 36 डेज। अब क्या करो, आप कोई एक कैरेक्टर पहले उठाओ, आप पूरे प्रश्न में नहीं जाओ। जैसे हमने मेन को उठाया कि शुरू में 12 मेन कर रहा है और बाद में 18 मेन कर रहा है। अब जो शुरू वाले बेसिक्स क्वेश्चन हम सोचे उसके बेसिस पर सोचो कि यदि 12 आदमी किसी काम को 36 दिनों में करता है तो 18 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं कि 12 आदमी 36 दिनों में करता है तो अकेले आदमी को करने में ज्यादा समय लगेगा तो गुना कर देंगे बढ़ाने के लिए। फिर 18 आदमी इसे कितने दिनों में करेगा तो अकेले आदमी को करने में इतना दिन लग गया तो 18 आदमी को करने में कितना लगेगा, तो हम इसको 18 से भाग देते हैं। अब आदमी का काम खत्म हो गया। अब आप कोई दूसरा टर्म उठा लो और दूसरा टर्म इसमें सिर्फ टाइम बचा है। शुरू में कितना करता है तो शुरू में 8 घंटा डेली करता है और बाद में 6 घंटा डेली करता है। तो जब 8 घंटा डेली करता है तो काम 36 दिनों में चलता है, तो 6 घंटा डेली करके काम कितना दिन चलेगा, तो सोचेंगे 8 घंटा डेली करके काम 36 दिन चलता है तो 1 घंटा डेली करेंगे तो ज्यादा दिन चलेगा तो हमें गुना करना होगा, 6 घंटा डेली करेंगे तो कम दिन करना होगा, भाग करना होगा। और अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, जो पूछेगा वो एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा, बाकी सब दो दो कैरेक्टर रहेगा। तो हम वन बाय वन पहले मेन को उठाए और मेन का काम खत्म कर लिए, फिर आवर को उठाए, आवर का काम खत्म कर लिए, और कुछ रहता वेज रहता तो वेज उठाते वेज का काम खत्म कर लेते, वर्क रहता तो वर्क को उठाते और वर्क का काम खत्म कर लेते। और अब आप इसको सॉल्व कर दो, 18 टू द 36, 6
टू द 12, तो 8 टू द 16 टू द 32, तो क्या हो जाएगा 32 डेज इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट कंसेप्ट का। देखो ट्रिक अपनी जगह है, अभी जो आपको समझाने जा रहा हूं M1 D1 H1 बहुत शानदार फार्मूला है, कमाल का फार्मूला है, और इसका आप एग्जाम में इस्तेमाल भी करिएगा, बस इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखिए। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क में, जब कुछ लोग बीच में काम छोड़कर चला जाता है, कुछ लोग बीच में ज्वाइन कर लेते हैं, या और कई तरह का क्वेश्चन सेटर कॉम्प्लेक्सिटीज देता है, तो वहां पर बाबू कंसेप्ट होना जरूरी है, वहां कोई ट्रिक काम नहीं देता है। तो ये कंसेप्ट, ये सोचने की आदत होनी चाहिए। आप एग्जाम में जरूर इस जो ऊपर कंसेप्ट दे रहे हैं, अभी ट्रिक बता रहे हैं, आप उससे बनाइएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो एक बार ये बेसिक मेथड भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये बेसिक मेथड रहेगा तो ये आपके सोचने की क्षमता को डेवलप करेगा, ये टाइम एंड वर्क को आपको लगातार सोचने के लिए सिखाएगा। और अगर आपको सोचने के लिए आएगा, कंसेप्ट में देखने के लिए आएगा, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स रहेगा क्वेश्चन, आप उसको आराम से कर सकेंगे। कोई कितना भी कहते ये ट्रिक है, सेकेंड्स में आपको हम टाइम एंड वर्क सिखा देंगे, लेकिन जब कोई वो सब जितने भी आप वीडियो देखते हो स्टूडेंट्स, या हम लोग वो जो भी बताते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है, जब कभी भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो सारे ट्रिक धरे रह जाते हैं, और वहां आपको सोचने आना चाहिए। आप नहीं सोच पाओगे तो वहां पर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए रूल वन को इग्नोर नहीं करना है, रूल वन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप इसी क्वेश्चन को रूल टू से देखो, यानी ऊपर जो फॉर्मूला हमने लिखा है, कमाल का फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन में चेन रूल से रिलेटेड, वेरिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बिल्कुल आसानी से लग जाता है। क्या क्या दिया हुआ है आप पहले देखो इस प्रश्न में। इस प्रश्न में दिया हुआ है मेन का चर्चा किया हुआ है, M1 दिया हुआ है, टाइम का चर्चा किया हुआ है, H1 का चर्चा किया हुआ, D1 किया है, डे का और H का चर्चा किया है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज है। और उधर क्या है, तो इसी तीनों को उधर भी लिख लो, M2, D2, H2। वर्क का चर्चा नहीं किया है, वेज का चर्चा नहीं किया है, उसको नहीं लिखेंगे। हम देखेंगे किसका किसका, अगर मान लो दो ही कैरेक्टर का रहता तो दो दो ही लिखते, पांचों प्रश्न में रहता तो पांचों लिखते। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो बाद वाले का दिन D2 पूछ रहा है। देखो कितना आसान है, जो जो कैरेक्टर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में मेन का चर्चा है, डे का चर्चा है, आवर का चर्चा है, दोनों तरफ का वो सारा कैरेक्टर लिख लिया। क्या पूछ रहा है, बाद वाले का डे पूछ रहा है, तो बाद वाले डे को एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरे तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये M2 और H2 भी इधर आ जाएगा, तो M1 D1 H1 बाय क्या होगा, M2 और H2। अब आप स्टूडेंट सिर्फ वैल्यू बैठा दो, M1 कितना है, तो आप प्रश्न में देखो तो M1 कितना है, 12 है। D1 कितना है, तो D1 36 डेज है। H1 कितना है, तो शुरू में कितना करता है, 8 आवर्स करता है बाय। M2 कितना है, तो बाद में कितना मैन है, तो 18 मैन है। और H2 कितना है, बाद में कितने घंटे काम करते हैं, तो 6 घंटे काम करते हैं। देखो जो हमने यहां सोचा था सेम वही आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 18 टू द 36, 6 टू द 12 और 8 टू द 16 टू द 32 डेज आंसर। तो कितना आसान है ये। आप क्या करेंगे, सिर्फ इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे, M1 D1 H1 W2 R2 M2 D2 S2 W1 R1, सिर्फ वर्क और वेज को उल्टा लिखेंगे, और जो जो कैरेक्टर क्वेश्चन में रहेगा उसको आप बस दिमाग में अरेंजमेंट लीजिए, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो पूछेगा वो एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ, जिसका जरूरत नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या है इसमें, जैसे इसमें वर्क या वेज का जरूरत नहीं है तो हम उसको यहां पर लाए ही नहीं, और सॉल्व कर देंगे और ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल आप एग्जाम में इस तरह के प्रश्न में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं बार बार कहूंगा जब आप प्रैक्टिस राउंड में रहें तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार रूल वन से जरूर बनाइए। और ये फायदा कब देगा, जब टाइम एंड वर्क के बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में चलेंगे, टफ क्वेश्चन में चलेंगे, वहां पर आपको इसका फायदा समझ में आएगा कि जब सोचने आती है तो उसका फायदा क्या होता है। अभी स्टूडेंट इसको और कुछ एक दो एग्जाम्पल, तीन चार एग्जाम्पल से करके हम लोग पहले पूरा पक्का कर लें, फिर हम लोग टाइम एंड वर्क के मूल कंसेप्ट में चलेंगे। ये तो बेसिक्स है, इसके बेसिस पर हम लोग टाइम एंड वर्क का जो कैलकुलेशन वाला सेक्शन है, क्योंकि जब मूल टाइम एंड वर्क में जाएंगे तो कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, और
वहां पर कंसेप्ट और कैलकुलेशन एक साथ सीखने में तकलीफ देगी, तो कैलकुलेशन को अलग करके हम लोग बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क के नाम पर सीख लेते हैं। अभी कुछ और 3-4 एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि इफ 24 में बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली कैन डू ए वर्क इन 45 डेज, देन इन हाउ मेनी मैन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली कैन डू इट इन 30 डेज। यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 45 दिनों में करते हैं, तो इसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 30 दिन में पूरा करने हेतु कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको भी आपको सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको इसको रूल 1 से बताते हैं। रूल 1 से बार बार गुजारिश हमारी, आप रूल 1 से जरूर बनाइए, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाएंगे तो ये बहुत काम देगा। क्या पूछ रहा है रूल 1 में, क्या करना है कि आप देखो पूछ क्या रहा है, तो हाउ मेनी मैन पूछ रहा है, कितने आदमी पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वो एक कैरेक्टर होगा, बाकी सब दो दो कैरेक्टर रहेगा। तो एक कैरेक्टर जो मैन का संख्या दिया है वो आप लिख दो, तो 24 मैन शुरू में दिया हुआ है। अब आप कोई एक पॉइंट उठाओ, कहता है जैसे पहले आवर कोई उठा लिए, शुरू में 6 घंटा डेली है, बाद में 8 घंटा डेली है, तो हम करेंगे जब 6 घंटा डेली काम करते थे तो 24 आदमी की जरूरत पड़ती थी, तो अगर एक ही घंटा डेली करेंगे तो ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो गुना 6 कर देंगे। फिर बाद में करेंगे कि अगर क्या होगा 8 घंटा डेली करेंगे तो 1 से बढ़ा के टाइम 8 घंटा कर देंगे, तो थोड़ा जल्दी कम आदमी की हमको जरूरत पड़ेगी, टाइम का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद ले लो डे क्या है, तो शुरू में 45 डेज है, बाद में 30 डेज है, तो 45 दिन में अगर 24 आदमी की जरूरत थी तो एक ही दिन में काम खत्म करना होगा, तो हमको ज्यादा आदमी की जरूरत होगी। और क्या करना होगा फिर करेंगे, अगर एक दिन में हमको इतना आदमी चाहिए, तो अगर हमको 30 दिन में, तो 30 दिन अगर काम ले जाना है तो कम आदमी चाहिए, तो फिर हम डिवाइड कर दें। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से 3 बार में 24 हो गया, फिर 5 से 6 बार में और 5 से 9 बार में 6 कैंसर, तो 9 3 20 7, तो ये 27 क्या निकला, तो नंबर ऑफ मैन पूछ रहा था, तो 27 मैन ये आंसर हो गया। तो ये तो स्टूडेंट आपके लॉजिक से हुआ। अब अगर हम इसमें ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है, तो देखो मैन का चर्चा किया है, मैन के अलावा किसका चर्चा किया है, तो डे का चर्चा किया हुआ है, और डे के अलावा किसका चर्चा किया है, तो आवर का चर्चा किया, यही 3 टर्म है। फिर यहां भी आप लिखो M2, D2 और S2, पूछ क्या रहा है, तो इस बार M2 पूछ रहा है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, तो M2 बराबर हो जाएगा M1 D1 H1 बाय D2 H2। अब M1 कितना है, तो प्रश्न में देखो M1 कितना है, 24 है। D1 कितना है, तो D1 कितना है, तो 45 है। H1 कितना है, तो 6 है। D2 कितना है, 30 है। H2 कितना है, 8 है। आप कैलकुलेट कर दो, 8 3 24, 6 5 30, 5 9 45, 9 3 27 में, एंड इट्स योर आंसर। तो आप बस देखो जिस जिस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है फॉर्मूले में से, वो सब कैरेक्टर निकालो और आप इसको सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन हॉस्पिटल 18 पेशेंट्स कैन कंज्यूम 810 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 30 डेज, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर 24 पेशेंट्स इन 10 डेज। किसी अस्पताल में 18 मरीज 30 दिनों में 810 लीटर दूध की खपत करते हैं, तो ज्ञात करें 24 मरीजों को 10 दिनों में कितने लीटर दूध की जरूरत होगी। स्टूडेंट पहले हम लोग इसको रूल 1 से ट्राई करें, तो रूल 1 से क्या कहता है, वर्क पूछ रहा है, यहां मिल्क को हम लोग वर्क की तरह ट्रीट करेंगे, कितना कंज्यूम क्या करना है, मिल्क कंज्यूम करना है, तो काम हो गया कि कितना लीटर दूध का कंज्यूम करना है, तो इसको हम लोग, तो खैर रूल 1 में तो जो पूछता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो मिल्क का लिख दिया 810 लीटर। अब कहता है एक एक करके देखो, शुरू में 18 पेशेंट और बाद में 24 पेशेंट, तो अगर 18 पेशेंट को 810 लीटर दूध चाहिए तो ऑब्वियसली 1 पेशेंट को कम चाहिए, और अगर 1 पेशेंट को इतना लीटर मिल्क चाहिए तो 24 पेशेंट को ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ पेशेंट का काम हमने खत्म कर लिया। फिर शुरू में 30 डेज और बाद में 10 डेज, तो अगर हमको 30 डेज में 810 लीटर मिल्क चाहिए तो 1 दिन में कम चाहिए,
और अगर एक दिन में इतना दूध चाहिए तो 10 दिन में ज्यादा चाहिए, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 से कैंसिल करते हैं, 6 से 4 बार में 24, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 से इसको 90 बार में कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, 360 liters ऑफ मिल्क। तो ये तो रूल से हो गया। अब अगर हमको इसको कंसेप्ट से बनाना है स्टूडेंट, तो कंसेप्ट से बनाना है तो इसमें क्या है, तो इसमें मेन है, फिर इसमें क्या है, तो इसमें डे है और वर्क है, तो वर्क को उल्टा लिखते हैं W2 और उधर M2 D2 और वर्क को उल्टा लिखेंगे। वर्क और वेज को हमेशा उल्टा लिखा जाता है। अब पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कितने लीटर दूध, यानी W2 पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि ये नहीं कि इसको कर लेंगे, क्या पूछा जा रहा है तो बाद वाला काम, कितने दूध की जरूरत पड़ेगी। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि M2 D2 W1 बाय M1 D1। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 कितना है, तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो M2 कितना है, तो M2 है हमारा 24%। M2 हमारा कितना है, 24% है। G2 कितना है, तो बाद में कितना दिन है, तो 10 days है। और W1 कितना है, तो 810 liters ऑफ मिल्क था। फिर क्या है, M1 कितना है, तो 18% था। और D1 कितना है, तो 30 days था। और आप इसको सॉल्व कर दो, ऊपर भी आपने सॉल्व किया है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 आप कैंसिल कर लो, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9 से इसको 90 बार में कैंसिल कर लो, 360 liters। तो जिस जिस कैरेक्टर का जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला से जब हमको आवर का जरूरत पड़ रहा था तो आवर ले रहे थे और वर्क और वेज नहीं ले रहे थे, अभी इसमें वर्क का जरूरत पड़ा, आवर की जरूरत नहीं है तो आवर छोड़ दिए। तो उस 5 कैरेक्टर में से जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा हम फॉर्मूले में लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस पूरे अभी तक में 9th क्वेश्चन है, कि श्याम एम्प्लॉयज 8 वर्कर्स टू वर्क फॉर 6 hours पर डे, इन टोटल ही पेज देम ₹630 फॉर अ वीक, हाउ मच शुड श्याम पे 18 वर्कर्स वर्किंग 4 hours पर डे फॉर अ वीक। क्या कहता है कि श्याम 8 मजदूरों को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिए बहाल करता है और एक सप्ताह के लिए उन सबों को कुल ₹630 देता है। यदि श्याम 18 मजदूरों को 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिए बहाल करे तो उसे कितनी मजदूरी देनी होगी। तो पहले तो हम लोग स्टूडेंट इसको रूल 1 से ट्राई करें। रूल 1 से ट्राई करने के लिए आप बस सोचो कि जो पूछ रहा है उसको सबसे पहले लिख दो, क्या पूछ रहा है, मजदूरी, तो कितना दिया था, तो ₹630 दिया था, तो हमने 630 लिख दिया। अब कहता है शुरू में 8 मजदूर और बाद में 18 मजदूर, तो 8 मजदूर को ₹630 देगा तो 1 मजदूर को तो कम देगा और 18 मजदूर को ज्यादा देगा, मजदूर का काम खत्म। फिर कहता है शुरू में 6 घंटा करता था और बाद में 4 घंटा करता है, तो 6 घंटा करने के लिए ₹630 दिया तो 1 घंटा करने के लिए कम देगा और 4 घंटा करने के लिए ज्यादा देगा। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 × 4 = 8 और 2 से हम इसको 630 को कैंसिल कर लें तो हो जाएगा 315। तो क्या हो जाएगा, ₹945 ये वेज हो गए। अब अगर इसको हम लोग मेथड से बनाना चाहें तो क्या क्या है स्टूडेंट इसमें, तो M1 है, फिर क्या है, H1 है, घंटा है, और फिर उसके बाद क्या है, वेज है। तो वेज क्या होता है, उल्टा लिखते हैं R2 और उधर भी क्या होगा, M2 H2 और R1। क्या पूछ रहा है, बाद वाले की मजदूरी, R2 पूछ रहा है। बस आपको ये समझ लेने की जरूरत है, एग्जीक्यूट करना तो फिर इसको बड़ा ही आसान है। अब M2 कितना है, तो M2 18 है, H2 कितना है, 4 है, R1 कितना है, 630 है, बाय क्या करेंगे, बाय M1 H1 जाएगा। अगर इसमें हम निकाल लेना चाहेंगे, अगर हम फॉर्मूला भी लिख दें कि R2 बराबर क्या होगा,
तो आर टू बराबर हो जाएगा एम टू एच टू आर वन बाय एम वन एच वन। तो एम वन कितना है, तो एट है, एच वन कितना है, सिक्स है। ऊपर भी हमने इसी चीज को कैलकुलेट किया है, कैंसिल कर लेंगे, फोर टू द सिक्स से थ्री बार में, टू से 315 टाइम्स में, और इट्स रुपीज 945। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन कहाँ से है, वर्क से है, वेज से है, टाइम से है, डे से है, मैन से है, बस आप एक सिंगल कंसेप्ट को लेकर के चलते रहेंगे। एक और प्रश्न को देखते हैं और तब हम लोग इस बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट मानेंगे। एक लास्ट टेंथ क्वेश्चन कहता है सिक्वेंस में कि 36 में बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली कैन कट 42 ट्रीज इन 30 डेज, देन हाउ मेनी ट्रीज आर कट बाय 48 मैन बाय वर्किंग 9 आवर्स पर डे इन 40 डेज। क्या कहता है, यदि 36 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 42 पेड़ों को 30 दिनों में काटते हैं, तो ज्ञात करें कि 48 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिनों में कितने पेड़ काटेंगे। अगर हम स्टूडेंट इसको रूल वन से बनाना चाहें तो रूल वन से बनाने के लिए क्या पूछ रहा है, तो जो नंबर ऑफ पेयर यहां है उसको एज ए वर्क हम लोग लेंगे, वो क्या होगा, वो टोटल काम होगा। तो पहले तो रूल वन में तो कहता है जो पूछता है उसको आप लिखो, तो पहले कितना पेयर काट रहा है, तो शुरू में टोटल पेयर कितना काट रहा है 42, तो हम स्टूडेंट 42 लिख देंगे। फिर क्या कहता है, कोई एक पकड़ो, कहता है शुरू में 36 आदमी था और बाद में 48 आदमी है, तो 36 आदमी 42 पेयर काटता है तो एक आदमी कम पेयर काटेगा, तो कहता है 48 आदमी ज्यादा पेड़ काटेगा। यूनिटरी मेथड से जैसे शुरू में सोचते थे एक एक करेक्टर करके सोचना, जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था बहुत आसान। फिर दूसरा टर्म ले लिए कि चलो दूसरा टर्म हम ले लिए डेज, शुरू में 30 डेज और बाद में 40 डेज, तो 30 दिन में अगर 42 पेड़ काटे तो एक दिन में कम काटेंगे, तो 40 दिन में क्या करेंगे, तो ज्यादा पेड़ काटेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक आवर्स बच गया, शुरू में 6 आवर्स बाद में 9 आवर्स, तो 6 घंटा डेली करते थे तो 42 पेयर कटता था, तो एक ही घंटा करेंगे तो कम कटेगा, भाग देंगे, और 9 घंटा करेंगे तो ज्यादा कटेगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये तो 0-0 कैंसिल हो गया। फिर हम लोग काट देंगे 12 से 4 बार में 48, 12 से 3 बार में 36, और 3 से 9 से 9 को कैंसिल कर लिए। फिर हम लोग 6 से 7 बार में 42 कैंसिल कर लिए, तो क्या हो जाएगा 4 द 16 और 16 7 द 112, तो 112 ट्रीज आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक्स, हम लोग सोच करके कैसे बनाएंगे ये आप मत सोचिएगा, बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे तो वहां वही टिकता है जिसको सोचने आता है। और अगर स्टूडेंट इसको हमको रूल टू से बनाना है, तो रूल टू से बनाना है, दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना है, तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें तो M1 इस्तेमाल हुआ है, D1 इस्तेमाल हुआ है, H1 इस्तेमाल हुआ है, वर्क भी हुआ है, तो उल्टा लिखेंगे W2, और दूसरी तरफ M2, D2, H2, W1, वर्क और वेज को हमेशा उल्टा लिखते हैं। पूछ क्या रहा है, तो बाद का काम कितना पेड़ W2 पूछ रहा है, तो W2 के जगह पर क्या होगा, तो W2 के जगह पर होगा M2, D2, H2, W1 by M1, D1, H1। इसको बैठाओ, M2 कितना है, तो बाद में कितने आदमी हैं, तो कहता है बाद में आदमी हैं 48, 48 हैं। फिर क्या कहता है, D2 की बात करता है, D2 कितना है, तो बाद में कितने दिन थे, तो कहता है बाद में दिन थे 40। H2 की बात करता है तो 9 आवर्स, और W2 की बात करता है तो कितने पेयर थे, 42 पेयर थे, बाय हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो कहता है डिवाइड करेंगे M1 से, तो पहले कितने मैन थे, तो 36 मैन थे, करेंगे D1 से, पहले कितने दिन थे, तो पहले 30 डेज थे, फिर करेंगे किससे, H1 से, तो पहले कितने आवर्स थे, तो 6 आवर्स थे, कैंसिल कर देंगे, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से 7 बार में 42 कैंसिल हो गया, 12 4 द 48, 12 3 द 36, 3 3 द 9 से 9 को कैंसिल, 4 4 द 16 और 16 7 द 112 ट्रीज, ये आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट ये हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आप बेसिक्स को समझ जाएं। टाइम एंड वर्क में अब यहां से हम लोग जाएंगे, इस वीडियो में नहीं, उसका एक दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें टाइम एंड वर्क का जो फोर वेराइटीज है सबको बेसिक कंसेप्ट से हम लोग आगे ले जाएंगे। इस वीडियो में हमने ये कोशिश की कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में जिस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है उस कैलकुलेशन को आप यहां सीख लीजिए, क्योंकि जब एक बार कैलकुलेशन और कंसेप्ट दोनों सीखना पड़ता है तो वह कई बार आपको समझने नहीं देती है चीजों को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक्स के साथ साथ आपको वेरिएशन, चेन रूल और यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। आप इस पर नियंत्रण प्राप्त करिए और इसके बाद जो इसका अगला वीडियो है आप टाइम एंड वर्क को देखिए ताकि आपको टाइम एंड वर्क पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।